कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट कंट्रोवर्सी लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। नमस्कार दर्शक मित्रों, वेलकम टू माय फालतू की कंट्रोवर्सी। फालतू की इसलिए क्योंकि जिसके लिए कंट्रोवर्सी हो रही है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनफैक्ट उसे मालूम भी नहीं है कि उसके लिए ये कंट्रोवर्सी हो रही है। और ऑनेस्टली मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक मुझे इसमें धमकियां नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई 21 जुलाई 2022 को। रात को 10 बजे मेरे फर्स्ट वीडियो पे एक कमेंट आया जो कि था जोगिंदर भाई के डिस्ट्रैक के ऊपर वीडियो था। उसके ऊपर एक कमेंट आता है, डियर खालिद ब्रो, डू वॉट एवर वॉन्ट्स टू डू मैन, बट डोंट इंक्लूड सलमान खान इन योर शिट वीडियोस, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कमेंट देखकर मैं कहा गजब बेइज्जती है, बट मैं सोचा छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ता है मेरे को। लेकिन भाई की चुल खत्म नहीं हुई, भाई ने दूसरा कमेंट मार दिया, बी इन योर लिमिट्स ड्यूड, ही वॉज इन इंडस्ट्री बिफोर यू वर डिडंट इवन बॉर्न, अदरवाइज यू विल नॉट इवन नो वेर योर दिस सस्ता लक्ष्य चैनल विल बी गॉन। आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रोस्ट। भाई ने सीधी धमकी मार दी चैनल उड़ाने की, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरे को अब तक मालूम नहीं था इसको इतनी चुल क्यों मच रही है, लेकिन फिर मैंने पहले वाला कमेंट फिर से देखा, डोंट इंक्लूड सलमान खान इन योर शिट वीडियोस। हैं, सल्लू भाई कहाँ से आ गए मेरे वीडियो में, पता नहीं कौन सा नशा फूक के कमेंट कर देते। खैर, यू नो आई एम अ गुड बॉय, झूठ बोल रहा है। मैंने इसको बड़े प्यार से रिप्लाई दिया, कूल डाउन ब्रो, आई एम नॉट अ हेटर ऑफ योर बॉस सेवलॉन बॉय, एंड आई डिडेंट इवन नो वेयर आई मेंशनड योर बॉस नेम, एंड इफ दिस इज अ थ्रेट देन आई डोंट केयर द एफ अबाउट इट, एंड थैंक्स फॉर लास्ट सेंटेंस। मेरे इस कमेंट के बाद मुझे लगा भाई को कुछ अक्कल आएगी, लेकिन नहीं, कुत्तों को खीर हजम नहीं होती। भाई ने फिर से एक कमेंट मार दिया, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर टोस्ट, इट्स नॉट सेलवन और सेलमोन, इट्स सलमान। भाई तो खुद गलत बोल रहा है, सेलवन नहीं सेवलोन होता है। अच्छा। खैर आगे, डू योर जॉब एंड वॉच योर ओन वीडियो प्रॉपरली, होप यू विल अंडरस्टैंड खालिद बॉय। ओके भाई, योर चिंदी चैनल इन माई फुट, आई डिडेंट गिव अ डैम शिट और एफ टू योर सो कॉल्ड टोस्ट चैनल, मेक योर ओन कंटेंट, डोंट इंक्लूड अदर्स नेम फॉर इंक्रीज योर नेम। अच्छा। मेरे को अभी तक मालूम नहीं था कि ये कौन सी वीडियो देख रहा है और इसने कहाँ पे सल्लू भाई को देख लिया मेरी वीडियो में। फिर मेरे एक मित्र ने मेरी वीडियो की एक क्लिप सेंड की मुझे, जैसे कि अपने सार्वजनिक भाई, नहीं ये वाले नहीं, हाँ ये वाले सार्वजनिक भाई। सो यहाँ पर इस भाई साहब का कहना है कि मैंने सल्लू भाई को एब्यूज कर दिया, सारी दुनिया इन्हें भाई के नाम से जानती है, तो मैंने इनको सार्वजनिक भाई बुलाया। आई नो बोलने में थोड़ा क्रिंज लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने इनको अब्यूज कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिर मैंने सोचा छोड़ो फेंक छो। इसके बाद एक बंदा आता है सीधा मेरे इंस्टाग्राम डीएम में, डीएम में आकर उसने मुझे सबसे पहले एक स्टोरी में मेंशन किया, यू हैव अर्नड एवरी बिट ऑफ स्कॉर्न, कमेंट्स तो डिलीट कर देगा, सच कैसे बदलेगा। हैं, मैंने तो कोई कमेंट डिलीट नहीं किया।
और इवन मुझे इस कमेंट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, वरना मेरे सब कमेंट का नोटिफिकेशन आता है मेरे वाइट स्टूडियो में मेरे मोबाइल पे, इसका मेरे को नोटिफिकेशन भी नहीं आया। और ये कमेंट मेरे वीडियो में है भी नहीं, और किसने डिलीट किया, इसने खुद डिलीट किया ये स्टोरी डालने के लिए या फिर यूट्यूब ने डिलीट किया, मेरे को नहीं मालूम किसने डिलीट किया। और ये कमेंट इसने कब किया ये भी मेरे को नहीं मालूम। फिर मैंने इसकी स्टोरी में से ये कमेंट पढ़ा, पहले तो इस भाई साहब ने कमेंट में फुल बॉडी शेमिंग किया है, मतलब भाई आप करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। जब कोई यूट्यूबर किसी के फेस के या फिर कोई बॉडी के बारे में कुछ बोलेगा तो आप बोलोगे कोई एक यूट्यूबर है जो बॉडी शेमिंग कर रहा है यार, तू डंपर बोल रहा है किसी को और यहाँ पर आप खुद बॉडी शेमिंग कर रहे हो कुछ भी मतलब। फिर ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी चाहिए ताकि मेरे घर में खाना बन सके। तो देखो भाई, किसी की भी बातें सुन के किसी को भी हेट देने मत पहुंचा करो, पहले उसके बारे में जान लो कौन है क्या करता है। मैं ऑलरेडी एक जॉब करता हूँ, ये भाई बोल रहे हैं मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए जिससे मेरे घर में खाना बने। हमको सिखा रहा है भाई, इतने वेले हो कि किसी को भी हेट देने पहुंच जाते हो, तो उससे पहले उसके बारे में जान तो लेते पहले यार। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहां पढ़ा लिखा तू। और इस बंदे का कहना है कि मैं YouTube पे 2019 से हूँ और अभी तक मेरे वीडियोस पे सिर्फ 300 व्यूज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ फिर किसी को हेट करो, और खुद का दिमाग काम ना करता हो तो उसका प्रयोग भी ना करें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी फर्स्ट रोस्ट वीडियो आई थी 27th June 2022 को, ठीक है, और मेरे YouTube पे टोटल व्यूज है 286। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ फिर हेट करो, ठीक है। अगली बार जब आओ हेट करने तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आना और कुछ लॉजिक के साथ आना, ठीक है। और इस भाई साहब ने मुझे धमकी भी मारी थी और मेरा नंबर भी मांगा था, और हम किसी से कम थोड़ी है वेंचर, हमने भी नंबर दे दिया। लेकिन तब से इस भाई साहब का ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, और ना ही कोई इंस्टाग्राम DM आया। क्यों भाई, फट गई साले? जब गांड में दम ही ना हो तो किसी को हेट देने मत जाया करो। ओके, सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर टू लेट वीडियो। ये क्लिप जो है मैं वीडियो के बहुत सारे दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था मेरे PC पे OBS स्टूडियो में वो क्रैश कर रहा था बार बार। तो फिर मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था क्लिप, लेकिन मेरा फ़ोन जो था वो टूट गया था, और मेरा PC भी बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा था, कभी प्रीमियर प्रो अटक रहा है, कभी क्रैश कर रहा है। और रिसेंटली मेरा PC बहुत दिनों से बंद पड़ा था, चालू ही नहीं हो रहा था, सो फाइनली मैंने चालू कर दिया है, और आज मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मैं वीडियो एडिट करके डालूंगा ये क्लिप उसमें, और फिर वीडियो अपलोड करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, और बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है तो रीच बहुत कम होगी तो शेयर करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।